हालेलुया। अपोस्टल ये एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। 7 साल पहले कहते हैं इस बहन के हाथ पांव पूरी तरह से जुड़ गए थे गठिये की वजह से और व्हीलचेयर के ऊपर थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, और लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये प्रभु के घर में, और जैसे फायर प्रे हुई परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और व्हीलचेयर को छोड़ के अपने आप चल पा रहे। ये तारीफ छोटी है, क्या हुआ? हालेलुया 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 हालेलुया। इस बहन की 12 साल से ब्रेस्ट के ऊपर टेनिस बॉल की जैसे ये बहन बता रही, इतनी बड़ी बड़ी रसौलियां थी और डॉक्टर के पास भी गए, इलाज भी कराया, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आज आपने स्पेशल प्रेयर की रसौलियां गायब हो रही है, इन्होंने चेक किया, 12 साल से जो रसौलियां गायब जा नहीं रही थी आज वो पूरी तरह से गायब हो चुकी। ये बहन कहते कि 6 महीने पहले अचानक ही इनके बॉडी ने जो है काम करना बंद कर दिया, टांगे एकदम से रुक गई थी और व्हीलचेयर के ऊपर आ गए थे, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन अपने आप चल पा रही। जीसस डॉक्टर नीचे गिरे थे, 15 मिनट लगातार बेहोश रहे और इनके टांगों की जो घुटनों के ऊपर चमड़ी पूरी तरह से उतर चुकी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, कहते कि कोई चांस नहीं कि आप चल पाओगे, और व्हीलचेयर के ऊपर थे और खुदा की आत्मा ने छुआ और इन जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनकी आंख भी एक तरफ से पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ आंख को भी और चल भी पा रहे। डॉक्टर किसने किया, किसने किया? ये अंकुर नरुला ने किया कि जीसस ने किया? तो ऊपर देखो, बोलो थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलेंगे थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपोस्टल जी 6 साल पहले इस भाई के जो लेफ्ट कान में जो तीला होता है तीखा, वो इनके कान के अंदर चला गया था और जिस कारण कान का जो पर्दा था वो फट गया था पूरी तरह से और बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, और इसका हल जो था वो ऑपरेशन बताया गया था। लेकिन जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, एकदम से इनको इनके कान पे ऐसा लगा किसी ने टच किया है, और उसके बाद इनको इन्होंने बोल के उनके इनके पड़ोसी ने बोल के इनको चेक किया तो इनके कान से इनको प्रॉपर सुनाई दे पा रहा था। 6 साल के बाद आज ये भाई सुन पा रहे हैं। अपोस्टल जी अपोस्टल जी एक बड़ी बड़ा मिरेकल है। अपोस्टल जी ये बच्ची जब छोटी थी हम देख सकते, अभी यंग है, जब छोटी थी तो कहते हैं जो दाइयां होती है मसाज करने वाली वो घर में आई, उन्होंने मसाज की, जैसे मसाज की तो कहते इतनी जोर से पीठ के ऊपर मसाज की कि ये पीठ जो है इसकी हड्डी टूट गई थी, क्रैक हो गई थी जगह, अगर हम आगे से देखें तो टोटली, और जिसकी वजह से पूरी एक साइड साइड को होती और बड़ी कुपड़ी थी ये बहन। कैसे थे आप पहले? ये पूरी तरह से झुके हुए थे और हड्डी पूरी बाहर थी, लेकिन आज जैसे प्रेयर हुई खुदा की आत्मा ने छुआ, बचपन के कुपड़े पन से आजाद किया। चले बहन, ओ जीसस, शांति बीमारों के दर्द को शिफा दे ले दे दुखी आराम, शांति बीमारों के दर्द को शिफा दे ले दे दुखी आराम, सुन के वो दुआ करता है जमा करे वंदना तो भी आसा, सुन के वो दुआ करता है जमा करे वंदना तो भी आसा। 15 साल पहले ये बहन घर में काम करते हुए एकदम से गिर गए और पीठ की बल जब बहुत जोर से गिरे तो इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के जो तो पूरी तरह से दब चुके थे, और ये स्पेशल जो शिकंजा इनको डॉक्टर ने बना के दिया था कि इसको आपने हमेशा पीठ पे लगा के रखना है और इसको हर सेकंड पे लगा के रखना पड़ता था। पहली बार आज ये परमेश्वर की हजूरी में आया और जैसे ही आपने प्रार्थना की, 15 साल से जो रोग था वो विद इन सेकंड गायब हो चुका है, पूरी रीति से हील हो चुका है। इस बहन के ब्रेस्ट पे 8 रसौलियां थी 1 साल से। फिर से बताओ, इस बहन के पिछले 1 साल से 8 रसौलियां थी ब्रेस्ट के ऊपर। इन्होंने एक बार ऑपरेशन भी करवाया पर वो दोबारा रसौलियां आ चुकी थी, पर आज जैसे ही आपने कहा कि मैं रसौलियों को पिघलते हुए देख रहा हूं, उसी टाइम जब इस बहन ने चेक किया वो 8 की 8 रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अमेजिंगली खुदा ने भविष्यवाणी को पूरा किया। आपने बोला था मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जिसको लगातार ब्लीडिंग होती मुंह से
और बहुत उल्टी की तरह खून निकलता है और परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा और आपकी बॉडी से भी ये दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगा। और ये भाई को पिछले 3 साल से लगातार कहते खून की उल्टी आती थी, जैसे लगातार मुंह से ब्लड निकलता था। कहते इस विषय में मैंने कभी भी चर्च में या अपोस्टल जी कभी इस केस के विषय में किसी से नहीं बात की थी, लेकिन आज जैसे आपने इस भाई के लिए भविष्यवाणी की, खुदा की आत्मा ने छुआ और कोई भी ब्लड की वॉमिटिंग नहीं हुई है और वो उसको फील हो रहा है वो चीज, और पूरी तरह शांति को पूरा फील हो रहा है, फ्री हो चुके हैं। अपोस्टल जी, इस भाई की उम्र 15 साल है और इस भाई को 8 नंबर का चश्मा लगा हुआ था और आंखों से धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर ने बोला था जब आपकी उम्र 18 साल होगी तो आंखों दोनों का ऑपरेशन करेंगे। और अपोस्टल जी, ये आज पहली बार ये परमेश्वर की घर में आ गया हजूरी में, और जैसे ही आपने प्रेयर की उसके बाद चश्मे को उतार के देखा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इसने खुद बताया कि मुझे दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, अगर मैं चश्मा लगाता हूँ मुझे धुंधला दिखता है, बिना चश्मे के मैं बिल्कुल साफ देख पा रहा हूँ। चश्मे से धुंधला दिख रहा है जी, और बिना चश्मे के साफ दिख रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। बस ये भी एक अमेजिंग प्रोफेटिक डिलीवरेंस हुई। मैं, आपने बोला था कि मैं एक औरत को जिसका नाम वंदना है, उसके पेट को खुदा का आत्मा छू रहा है, हर तरह के रोग से आजाद कर रहा है। आपका नाम क्या है? वंदना। और अपोस्टल जी, इनका नाम वंदना है और कई सालों से इनके पेट में रोग था, लेकिन जैसे ही आपने इस बहन का नाम लेकर भविष्यवाणी की, वो पेट का रोग पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुका है। ओ जीसस, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बड़ी बड़ी हीलिंग है। ये बच्ची बचपन से इनकी बॉडी जुड़ी हुई थी टोटली, और पसे आज जैसे ही चर्च में आए हैं, कभी बाजू नहीं उठाए थे, कभी पैरों के बल खड़ी नहीं हुई थी, और आज खुदा के आत्मा ने छुआ ये बच्चे। ओ जीसस, ने पहले एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, इनके राइट जो है पट की हड्डियां और पसलियां टूट गई थी और शिकंजे के सहारे थे, लेकिन आज जैसे ही बोला आपने कि एक्सीडेंट के रोगी खुदा का आत्मा पुत्र आत्मा छुए और उन्हें आजाद कर हर एक रोग से, और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके और शिकंजे को छोड़ दिया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, कुछ दिन पहले इस बहन को इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये और इनके भाई जब जा रहे थे बाइक के ऊपर, तो बस के साथ इनकी बाइक बहुत जोर से टकराई, इनके नाक की हड्डी टूट गई, इनकी रीढ़ की हड्डी में, और इनकी गर्दन की नसें जो दब चुकी थी। कहते जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, मुझे नाक के ऊपर एकदम से परमेश्वर की सामर्थ महसूस हुई, जो हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी वो जुड़ चुकी है, और ये बहन अपनी बॉडी का मूव भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ये बहन उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पूरी रीति से आज हील हो चुकी है। बॉस जी, ठीक है, बिल्कुल जीसस, ये क्या हो रहा है आज? अपोस्टल जी, इस बहन को फेस का फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था और फेस पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था 3 साल पहले। और कहते हैं कि कुछ भी खाते थे मुंह से एक साइड जो है बाहर निकलता था, और आज खुदा की आत्मा ने छुआ, पूरा सीधा दिखाए, पूरा फेस सीधा कर दिया खुदा ने, और एक ब्यूटीफुल सोल बना दिया। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। सुनो मेरी बात, जो आप डिलीवरेंस देख रहे हैं ये 1% भी नहीं, आप में से हर एक बंदा डिलीवर होके जा रहे हैं। फाइनेंशियल डिलीवरेंस, मेंटल डिलीवरेंस, फैमिली डिलीवरेंस, मिनिस्ट्री डिलीवरेंस, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस, फिजिकल डिलीवरेंस, ये तो वो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये वो टेस्टिमनीज हैं जो हम आंखों से देख पा रहे हैं। उनका क्या जो अब हम आंखों से नहीं देख पा रहे, उनकी गिनती कहीं अधिक है। अगर टेस्टिमनीज हम लेना शुरू करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं सुबह 4 बजे तक खत्म नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा था वो सामर्थ जो आज लोग देखेंगे, शॉक्ड होंगे, उनकी आईज ओपन होंगी। तुम्हारे रास्तों को मैं ओपन होता हुआ चर्च देख रहा हूं, तुम्हारे फाइनेंशियल फेस को मैं ओपन होता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारी मैरिज के रास्तों को मैं ओपन होता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारे श्रापों को मैं टूटता हुआ ब्लेसिंग के ऊपर आता हुआ आपको देख रहा हूं।
एक बात को याद रखो, जिसकी लाइफ में आर्क यानी खुदा का वचन नहीं, जिसकी लाइफ में याजक यानी परमेश्वर की अच्छी संगति उसके लोग नहीं, जिसकी लाइफ में स्तुति नहीं, वो हमेशा संघर्ष करेंगे और बीमारियां यरीहो की दीवार बनके उनके सामने खड़ी रहेंगे। मेरा बिलीव है कि ये मीटिंग आज की आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमृतसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम जीसस, हालेलुया। नो करदा बला अपने लोका दे ओ दा बखरा अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा बला सदा, मेरा बादशाह, ओ करदा को बुलाया। भीड़ मत करो, मुझे सुनो, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, चल निकल आउट। ये रुमाल इसके सिर पे रखो, इसके सिर पे रखो, दे छोड़ दो इसको। Jesus name, तू फ्री है, तेरी फैमिली, तेरी बॉडी, तेरी सेहत फ्री इन जीसस नेम। भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, चल निकल यीशु मसीह के नाम, आउट। अपने हाथों को उठाओ। आप क्यों नहीं समझते, ये बंदा क्यों नहीं समझ रहा, क्या क्या चाहिए तुमको? होली स्पिरिट जिस पे चाहता उस पे प्रेयर करता है, ना कि तुम्हारी मर्जी से। चल निकल, कम आउट। अपने होठों को खोलो और बोलो, यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो अगले 5 मिनट, होली गोस्ट फायर शैतान के कामों के ऊपर। जिन्हें दुष्ट आत्माएं वो निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में, सदा के लिए छोड़ जाएं। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे सेहत को, तुम्हारे अंगों को, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे जीवन को होली गोस्ट फायर छुए और तुम आजाद हो जाओ। जितने पीछे खड़े इमरजेंसी सेक्शन में हैं, हर तरह की दुष्ट आत्माएं और बीमारियां तुमको छोड़कर चली जाएं, फ्री हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन। ये बरकत तुम्हारी है, फ्री हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन। ये बरकत तुम्हारी है। अपने अपने आप को खुला छोड़ना और शर्माना नहीं। मुझे आज भी याद है, मीटिंग्स जब होती हैं तो खेतों में रसौलियां पड़ी होती हैं और खेत वाले आके बताते हैं कि आप जहां मीटिंग करते हो वहां सुबह रसौलियां पड़ी होती हैं। शर्माना नहीं है, आज आपकी नाइट है, फ्री होने वाली नाइट यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आपकी नाइट है फ्री होने के लिए। आप आजाद हो, आप फ्री हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो। होली स्पिरिट, जहां जहां भी लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं उनसे आपको आजाद करके पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ आपको भरे। आमीन। ये आशीष आपकी है, रिसीव करो, क्योंकि अगली मीटिंग में तुम दुष्ट आत्माओं से आजादी की गवाही देते होगे। रिसीव करो, बॉडी पे हाथ रख के रिसीव करो। मेरे मेरे भाई, मेरे बेटे, रिसीव कर। प्रभु तुझे छू रहा है, ये बगल रखा टच कर रहा है वो तुझे, छू रहा है वो तुझे। तू वापिस आ रहा टेस्टिमनी के साथ, आजाद हो जाओ। आमीन। बोलो और छूट जाओ।
मैंने कहा आमीन बोलो और छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा और हिला। ओ करदा बलाए अपने रूह। अगले 5 मिनट हम सिर्फ वर्शिप करें, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, वर्शिप करो, प्रभु के साथ बात करो। और मैं देख रहा हूं आपकी बॉडी को, आपकी स्पिरिट को, आपके फाइनेंस को छूटते हुए। सुनो मेरी बात, आज जितनी गवाहियां दे होंगी हम देंगे, आपको चर्च में जाके गवाही देनी है। पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा कि आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोलें, बोले मैं आशीष का हकदार हूं आज से। बोलो 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 ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मैं आशीष का हकदार हूं आज से। बोलो बोल दो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। बोलते जाओ बोलते जाओ, देखो क्या होता है, बोलते जाओ। पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा, छूट जाओगे तुम आज यीशु मसीह के नाम। बोलो बोलो बोलो, मैं आशीष का हकदार हूं, शराब का नहीं। बोलो बोलो बोलो, अपने हाथ अपनी छाती पे, अपनी चेस्ट पे, अपनी बॉडी पे अपने हाथ रखो। बीमारों दे दर्द तो शिफा लेने दे दुखी यारा, साजा दे बीमारों दे दर्द तो शिफा लेने दे दुखी यारा। सुन के ओ दुआ कलदा है जवा करे बंदना को भी आसा। मैं ऐसे लड़कों को देख रहा हूँ जिनमें दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा इसलिए नहीं है कि वो खेले। मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि तुम पर जादू न किया गया ताकि तुम अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाओ, तुम्हारे कैरियर में जीरो हो जाओ। और मैं देख रहा हूं आज की मीटिंग के बाद तुम छुड़ाए जा रहे हो, तुम्हें गवाही देनी है आगे। तुम्हारा कैरियर सेम नहीं रहेगा, लाइफ सेम नहीं होगी। जितनों के कैरियर को, स्टडी को शैतान ने बांधा हुआ है, छूट जाओ होली गोस्ट फायर से, छूट जाओ छूट जाओ छूट जाओ। अपोस्टल जी ये का बड़ी टेस्टिमनी है, ये लड़की हम देख सकते हैं, देखने में ये लगती है जैसे 7-8 साल की हो पूरा देखे तो, लेकिन ये 22 साल है इस लड़की की उम्र। और कहते हैं कि बचपन से ही इस लड़की को लगातार दौरे पड़ते थे और मंदबुद्धि थी और पूरी बॉडी है जो पूरी तरह से जकड़ी हुई थी और सीधी तो कभी खड़ी भी नहीं हुई थी। और जिसकी वजह से इनकी इस बच्चे की ग्रोथ भी रुकी थी दौरे पड़ने की वजह से, ब्रेन अटैक की वजह से। ये 6-7 साल की लगती है लेकिन थी 22 साल की। आज विश्वास के साथ ये भाई इन्हें लेकर आए और जैसे प्रेयर हुई ये पहली बार पूरी तरह से सीधी खड़ी हुई और हाथ पांव पूरी तरह से सीधे हो चुके इस लड़के के। खरीदा है यो तकड़ा कमजोरा नु थकिया नु देवे आरा, खरीदा है यो तकड़ा कमजोरा नु थकिया नु देवे आरा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से। जिसने आपको बनाया है, अगर आपके पास मर्सिडीज है तो उसके स्पेयर पार्ट भी मर्सिडीज ही बेचेगा।